केंद्र सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सब एजेंसीज को बुलाया, उन्होंने सीबीआई को बुलाया, उन्होंने दिल्ली पुलिस को बुलाया, उन्होंने एंटी करप्शन ब्रांच को बुलाया, उन्होंने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बुलाया, ईडी को बुलाया और कहा कि सब लोग फर्जी केस बनाने में लग जाओ, किसी ना किसी केस में तो फंसा के लेकर आओ मनीष सिसोदिया को। ये मैंडेट केंद्र सरकार ने अपनी सारी एजेंसीज को दिया। इसका क्या प्रमाण है हमारे पास? इसका ये प्रमाण है कि अब ये एजेंसियां तरह तरह के फर्जी केस फिर से गाढ़ के निकालने लगी। ये क्या कागज है? ये एक एंटी करप्शन ब्रांच का कागज है, जो एंटी करप्शन ब्रांच ने हरीश खुराना को एक चिट्ठी लिखी है और कहा है कि आपकी एक कंप्लेंट के हमें और सबूत चाहिए। क्या शिकायत है? शिकायत ये है कि मनीष सिसोदिया जी ने दिल्ली के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले गरीब बच्चों के लिए जो कमरे बनाए उस पर उनके ऊपर केस होना चाहिए। और सबसे इंटरेस्टिंग बात उसमें ये है, और ये हमने हाईलाइट किया है और ये हम सारी मीडिया से शेयर भी करेंगे, कि एसीबी लिखता है द कंप्लेंट डेटेड 2 जुलाई 2019 सबमिटेड बाय योर गुड सेल्फ हैज बीन फॉरवर्डेड टू डीसीपी न्यू दिल्ली। 23 मई 2022 को एक 2 जुलाई 2019 की कंप्लेंट निकाली जाती है और उस पर कार्यवाही और कागजात की डिमांड करी जाती है। पिछले 3 साल से कहां था यह केस? पिछले 3 साल से इस पर क्या जांच हुई? पिछले 3 साल से इस पर क्या इन्वेस्टिगेशन, क्या कार्यवाही हुई? नहीं हुई, क्योंकि इन सब एजेंसियों को भी पता है कि यहां पे कोई भ्रष्टाचार नहीं है। पर जब केंद्र सरकार द्वारा, भारतीय जनता पार्टी द्वारा सब एजेंसीज को मैंडेट दिया जाता है तो सब कुछ गढ़े मुर्दे निकालकर, फर्जी केस निकालकर, कोई भी पुरानी कंप्लेंट निकालकर अब फर्जी वाड़ा करने की कोशिश कर रही है। केंद्र सरकार इनके पीछे इसलिए पड़ी है क्योंकि मनीष सिसोदिया जी वो शिक्षा मंत्री हैं जिन्होंने दिल्ली के गरीब बच्चों को, दिल्ली के 18 लाख बच्चों को अच्छी शिक्षा दी है। मनीष सिसोदिया जी वो शिक्षा मंत्री हैं जिन्होंने जब शिक्षा का कार्यभार संभाला था तो आप दिल्ली के सरकारी स्कूल में जाइए तो सबसे पहले टॉयलेट की बदबू आती थी, ऐसे होते थे दिल्ली के सरकारी स्कूल। बच्चों के बैठने के लिए टेबल नहीं होते थे, क्लासरूम में टीचर नहीं होते थे, पीने का पानी नहीं होता था। मनीष सिसोदिया जी वो शिक्षा मंत्री हैं जिन्होंने दिल्ली के सरकारी स्कूलों में एक क्रांति की शुरुआत करी और आज वो क्रांति यहां पर पहुंची है कि आज दिल्ली के सरकारी स्कूलों के नतीजे प्राइवेट स्कूलों से बेहतर आते हैं। आज दिल्ली के सरकारी स्कूलों के बच्चे आईआईटी, जेईई, नीट क्लियर करके देश के बड़े बड़े कॉलेज में जाते हैं। आज दिल्ली के सरकारी स्कूलों में एडमिशन के लिए हजारों बच्चे अप्लाई करते हैं, 5,000 सीटें होती हैं हमारे स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस में और 80,000 लोग वहां पे एप्लीकेशन डालते हैं। इस शिक्षा क्रांति के प्रणेता हैं मनीष सिसोदिया जी। अभी कुछ ही दिन पहले केंद्र सरकार की इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने एक फर्जी केस के तहत दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन जी को गिरफ्तार किया है। एक ऐसा केस जिसमें सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कर चुकी थी, उस केस में कुछ नहीं मिला। एक ऐसा केस जिसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इन्वेस्टिगेशन कर चुका था, कुछ नहीं मिला। एक ऐसा केस जिसमें इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ईडी खुद पिछले 8 साल से इन्वेस्टिगेशन कर रहा है और ईडी को कुछ नहीं मिला। एक ऐसा केस जिसमें 2018 में सत्येंद्र जैन जी को 8 बार समन किया गया लेकिन फिर भी कुछ नहीं मिला। एक ऐसा केस जिसमें पिछले 4 साल से एक भी बार ना कोई सवाल, ना कोई कागजात मांगा गया
लेकिन उसमें किसी भी नए सबूत के बिना सत्येंद्र जैन जी को गिरफ्तार कर लिया गया। सत्येंद्र जैन जी की गिरफ्तारी होने वाली है, ये दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने कई महीने पहले बता दिया था, क्योंकि हमें बहुत विश्वसनीय सूत्रों के हवाले से पता चला था कि केंद्र सरकार ने अपनी सब एजेंसीज को एक मैंडेट दिया है कि जैसे तैसे हो सके आम आदमी पार्टी के नेताओं को, मंत्रियों को, विधायकों को फर्जी केसों में फंसाओ। तो जनवरी में ही हमने बता दिया था कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट द्वारा किसी ना किसी फर्जी केस में सत्येंद्र जैन जी की गिरफ्तारी होने वाली है, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। आज हमें कई सारे विश्वसनीय सूत्र बता रहे हैं कि जिस तरह से फर्जी केस सत्येंद्र जैन जी पर किए गए, उसी तरह से फर्जी केसेस अब दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी पर भी होने वाले हैं।